झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 26 मई तक राज्य में वैक्सीन की क्षति 4.5% के करीब थी, जो घटकर 1.5% से भी कम हो गई है। कोरोना संकट के दौर में कई बार राज्य और केंद्र के बीच विवाद देखने को मिला है। अब कोरोना टीका बर्बाद होने के आंकड़ों को लेकर झारखंड और केंद्र सरकार आमने सामने है, जहां केंद्र सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में मई महीने में सर्वाधिक 33.95% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। वहीं राज्य सरकार के आंकड़े कुछ अलग हैं। केंद्र की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल और पश्चिम बंगाल में मई माह में कोविड 19 रोधी टीकों की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं हुई और दोनों राज्यों में टीकों की क्रमशः 1.10 तथा 1.61 लाख खुराक बचाई गई। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड रोधी टीकों की सबसे ज्यादा 33.95% बर्बादी झारखंड में हुई। वहीं झारखंड सरकार का कहना है कि यह आंकड़ा महज 4.65% ही है। झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 26 मई तक राज्य में वैक्सीन की क्षति 4.5% के करीब थी, जो घटकर 1.5% से भी कम हो गई है। वहीं इससे पहले मई महीने में जारी रिपोर्ट पर भी विवाद हुआ था। उस समय रिपोर्ट में कहा गया था कि झारखंड में 37.3% वैक्सीन बर्बाद हुई है, जिसके बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा था कि इन आंकड़ों से देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि झूठ फरेब और जुमलेबाजी के सहारे केंद्र सरकार झारखंड को बदनाम कर रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।